अगर ये देखने के बाद भी आपकी आंखें ना खुले, आप सिर्फ सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी जगाया नहीं जा सकता। अभी हरियाणा में ग्रुप डी की एक वैकेंसी निकली थी, जिसमें 13,536 पदों के लिए 10,94,636 युवाओं ने आवेदन किया कि ये नौकरी हमें चाहिए। इस बात से आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में जॉब की किल्लत कितनी है। सो मेरे दोस्त, आज की डेट में अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको फोकस करना है लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने पे। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और उस नेटवर्क से आप एक बहुत बड़ी नेटवर्क बना सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग के लोक खुल जाएंगे। एक आदमी है जो जॉब की छुट्टी होने के बाद अपने घर जाना चाहता है। रात का समय है, वो किसी न किसी टैक्सी का वेट कर रहा है। उधर दूसरी गली के अंदर एक टैक्सी वाला है, उसको भी अपने घर जाना है, लेकिन वो सोच रहा है कि घर जाते वक्त मेरे को कोई अगर सवारी मिल जाए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। इन दोनों लोगों को सेम लोकेशन पे जाना है, इसको टैक्सी चाहिए, इसको सवारी चाहिए। इन दोनों की प्रॉब्लम सोल्व किसने करी? ओला उबर ने। यानी कि ये एक लोगों की प्रॉब्लम थी और इसका सोल्यूशन किया ओला उबर ने, और आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। उस नेटवर्क से उन्होंने बहुत बड़ी नेटवर्क बना ली। आज की डेट में इंडिया में दो मेजर प्रॉब्लम है, पहली बेरोजगारी, दूसरी बीमारी। अगर आप बेरोजगार लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बीमार लोगों को अच्छे न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट जरूर करना।